तो ये है इलेक्ट्रिक स्टोर। आप देख सकते हो यहाँ पे रिमोट्स वगैरह और बहुत सारे प्रिंटर है, फिर यहाँ पे टेलीफोन है, वायरलेस है, एलसीडी है, ये शिप के शिपले तोरण। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सभी प्रकार के जेरोक्स मशीन पड़े हैं जो स्टोर रूम है। मुझे बोलिएगा मत कि मुकेश भाई शिप का गद्दा कैसा। आप देख सकते हो ये शिप का गद्दा है, शिप की आप क्वालिटी देख लीजिए, आपको आइडिया आएगा कैसा रहता है। और ये स्टार क्रूज का छाता, देखिए स्टार क्रूज। और यहाँ पे देखिए सभी एलसीडी को अच्छे से पैक करके रखा गया है, देखिए इस प्रकार से टोटल एलसीडी है। ये शिप का इंजन गाला है, का प्रिंटर है यहाँ पे सुते हो। यार ये भी कुछ एलसीडी वगैरह जैसा ही है जिसको पैक करके रखा है। और यहाँ से अलग शिप का कुछ इस प्रकार से नज़ारा दिख रहा है। इस तरह स्टार क्रूज में आपको कैमरे दिख जाएंगे, बहुत सारे कैमरे देखिए यहाँ पे। और ये सब हाई लेवल के कैमरे रहते हैं जो कि शिप पैकिंग में, शिप में यूज होते हैं। आप देखो तो इस प्रकार से कुछ वायरिंग है यहाँ पे, हर जगह बिखरा हुआ पड़ा है। दोस्तों यहाँ पे फायर सेफ्टी की भी पूरा ख्याल रखा गया है इस प्रकार का। और जो शिप में से निकलने वाले इलेक्ट्रिक आइटम को यहाँ पे इस तरह से आप देखिए रखा गया है। देखिए दोस्तों आप देख सकते हो सबसे बड़ा ये स्टार क्रूज में आप देख सकते हो सबसे बड़ा गेम जोन है। आप देखिए लगातार मेरे ख्याल से 25 से 26 एलसीडी इस साइड लगा हुआ, और यहाँ पे तो आप देखिए बहुत बड़ा गेम जोन है। देखिए यहाँ पे आगे पीछे दो जी। नमस्कार दोस्तों, एक फ्रेश और न्यू एपिसोड पे और एक फ्रेश स्टार क्रूज पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं वैसे हम हर हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया वीडियोस लेके आते हैं शिप ब्रेकिंग यार्ड का। तो आज ऐसे ही एक स्टार क्रूज पे हम आ गए हैं जहाँ की फैसिलिटी की बात करें तो आप सबको मालूम है जैसे कि स्टार क्रूज में हमेशा थिएटर, जिम, बार और बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी फैसिलिटी हर क्रूज में अवेलेबल रहती है। तो ये क्रूज भी जैसे आपने जलेश का वीडियोस भी देखा होगा, जलेश में जितनी भी फैसिलिटी थी उतनी टोटली फैसिलिटी ये स्टार क्रूज में अवेलेबल है। और ये टोटली मेरे ख्याल से 2000 प्लस रूम इस स्टार क्रूज में अवेलेबल है। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरे जहाज का वीडियो बताऊंगा स्टेप बाय। आप देखिए ये स्टार क्रूज यहाँ पे लिखा है, बड़ा सा स्टार यहाँ पे आकृतित किया हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं पूरे जहाज का वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि शिप ब्रेकिंग यार्ड में क्या क्या रहते हैं, कितने रूम रहते हैं और कौन सी फैसिलिटी है। तो दोस्तों वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिन लोगों ने कभी भी स्टार क्रूज नहीं देखा उन लोगों के लिए आज एक जबरदस्त ये वीडियो होने वाला है। तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो अभी है हम शिप के स्टार क्रूज के टॉप फ्लोर पे। आप देख सकते हो मेरे बगल में है स्विमिंग पूल। आप देख सकते हो स्टार क्रूज में इस प्रकार का स्विमिंग पूल रहता है। ऑलरेडी अभी भी पानी है अंदर, आप देखिए। और ये मेरे ख्याल से 20x20 का है, छोटा सा स्विमिंग पूल स्टार क्रूज में दिया है। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी फ्लोर के रूम आपको दिखाता हूँ। ये हम टॉप फ्लोर पे यानी कि 14वें माल पे है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्रूज के रूम है, आप देखिए पैसेंजर के लिए जो रूम बनाया है इस प्रकार के पूरे रूम है। देखिए ये बेड देखिए आप, दीवार में अटैच वाला, देखिए इस प्रकार से अटैच हो जाता है। देखिए ये हम रूम नंबर है 10,618। यहाँ की मैं आपको फैसिलिटी दिखाता हूँ। देखिए इस प्रकार के पूरा रूम है और डबल बेड का गद्दा दिया हुआ है यहाँ पे, और एक बेड है। देखिए यहाँ पे एक तिजोरी दिया है कस्टमर के लिए, और यहाँ से कुछ बाहर का व्यू इस प्रकार का दिख रहा है। देखिए इस प्रकार का पूरा व्यूज है। चलिए मैं आपको स्टार क्रूज का बाथरूम भी दिखा दूं किस प्रकार की। देखिए इस प्रकार का कुछ बाथरूम है यहाँ पे, पूरी गैलरी है। आप देख सकते हो यहाँ पे कस्टमर के लिए पूरे रूम बनाए हुए हैं। अब देखिए ये थोड़ा अलग प्रकार का रूम है, और यहाँ पे गद्दे बहुत अच्छे दिए। देखिए एक बार देखिए आपके शिप के गद्दे कैसे होते हैं। देखिए दोस्तों अभी है ना स्टार क्रूज में सभी आइटम यानी कि जो चेयर वगैरह है उसको सही तरीके से अभी पैक करके रखा जा रहा है। आप देखिए इस प्रकार की चेयर है क्योंकि क्रूज लगा उसको बहुत टाइम हो गया, तो ये सभी माल अच्छे से पैक करके अब नीचे उतरने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं, देखिए। चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि स्टार क्रूज में शावर कैसे होते हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा कांच का बाथरूम, नहाने का कुछ अलग ही लग रहा है। आप देखिए यहाँ पे क्वालिटी देखिए यहाँ का, ये देखिए आप कितना जबरदस्त है।
और यहाँ से कुछ ऐसा नजारा दिख रहा है बाहर का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एसी का कंट्रोलर दिया गया, देखिए यहाँ पे एसी कंट्रोलर, और यहाँ पे जो शिप के अंदर बोर्ड्स वगैरह रहते हैं, देखिए इस प्रकार के रहते हैं, जैसे कि बाथरूम रूम की लाइट का बोर्ड है, ये बेडरूम का है, और ये वॉशर का है, और ये विंडोज़ का है, अलग अलग लाइटें दी है, उसका कनेक्शन दिए हुए यहाँ पे, आप देखिए ये भी होल्डर है, सब अलग अलग प्रकार के। 13वें फ्लोर पे आप देख सकते हो, 13वें फ्लोर पे भी तो इस प्रकार के सभी रूम्स है, देखिए यहाँ पे सभी इलेक्ट्रिक आइटम पड़ी है, देखिए टोटल इलेक्ट्रिक आइटम है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे टोटली इलेक्ट्रिक आइटम पड़ी है। इसके बेड देखिए, आप बेड की क्वालिटी देखिए दोस्तों, बिल्कुल नहीं है जैसा है ना, डबल बेड जैसा, और पूरा लोखंड का, और यहाँ पे सब इलेक्ट्रिक आइटम पड़ी, आप देखिए एलसीडी वगैरह भी। दोस्तों बहुत बड़ा शिप है, बहुत बड़ा शिप, क्योंकि एक दिन में इसको कवर करना मुश्किल ही है, और मैं हो सके उतनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ से वाकिफ कराऊँ कि शिप में आखिर होता क्या है। ये देखिए ये गैलरी है दोस्तों, आप देख सकते हो सबसे बड़ा, ये स्टार क्रूज में आप देख सकते हो सबसे बड़ा गेम जोन है। आप देखिए लगातार मेरे ख्याल से 25 से 26 LCD इस साइड लगा हुआ, और यहाँ पे तो आप देखिए बहुत बड़ा गेम जोन है। देखिए यहाँ पे आगे पीछे दो LCD लगाई गई है, वायरिंग तो बहुत सारी है, पता नहीं किन किन चीज की वायरिंग है। देखिए ये ओनर का टेबल होगा शायद, मैनेजर वगैरह का, देखिए ऐसा आपने कहीं देखा है? देखिए इस प्रकार का मुझे भी नहीं आइडिया है। देखिए और ये है इनकी LCD, और ऊपर भी एक LCD दिया, ये 840 नंबर का है, और यहाँ पे ऐसी चेयर दी गई है, अब देखिए बिल्कुल जबरदस्त, और इसको चेयर को अच्छे से पैक करके रखा गया है। देखिए गेम जोन देखिए एक बार, बहुत बड़ा गेम जोन है शायद ही, मैं अपनी लाइफ में ये फर्स्ट बार स्टार क्रूज में एक गेम जोन देख रहा हूँ। अब देखिए कितना बड़ा गेम जोन है, देखिए यहाँ से देखिए आप, बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा। ये देखिए यहाँ भी ये गेम जोन ही है, मिनिमम मेरे ख्याल से 150 से ही ऊपर LCD यहाँ पे, यानी कि गेम जोन की जो आइटम है, गेम जोन की जो फैसिलिटी है, जहाँ LCD वगैरह दिया है, देखिए इस प्रकार का, वो 150 से भी ज़्यादा है इस प्रकार का। आप देखिए देखिए इस तरह स्टार क्रूज में आपको कैमरे दिख जाएंगे, बहुत सारे कैमरे देखिए यहाँ पे, और ये सब हाई लेवल के कैमरे रहते हैं जो कि शिप बैकिंग में, शिप में यूज होते हैं। आप देखिए बहुत सारे कैमरे यहाँ पे, और ऊपर का पार्टीशन देखिए, ये सब लाइटिंग्स वगैरह है, और ये ओनर का स्टैंड है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल बहुत जबरदस्त है। ये मेरे ख्याल से लाइटर वगैरह होगा, या नहीं छोटी लाइट है, आप देखिए छोटी लाइट है, और यहाँ का आप एरिया देखिए, एक छोटे से एरिया पे कितने कैमरे लगाए एक बार आप देखिए, जबरदस्त। दोस्तों ये है यहाँ का किचन एरिया, आप देखिए यहाँ पे इस प्रकार का फ्रिज वगैरह दिया गया है, और ये है किचन एरिया, ये बार का किचन एरिया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क, और ये पूरा किचन एरिया, और कॉफी मशीन है ये। देखिए दोस्तों ये है इलेक्ट्रिक स्टोर, आप देख सकते हो यहाँ पे रिमोट्स वगैरह, और बहुत सारे प्रिंटर है, फिर यहाँ पे टेलीफोन है, वायरलेस है, LCD है, ये शिप के शिपले तोरण, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सभी प्रकार के जेरोक्स मशीन पड़े हैं, जो स्टोर रूम है, बिल्कुल ही कम्प्लीटली पैक करके रखे हुए। यहाँ पे इनकी वायरिंग है, जो पावर केबल हो गया, जो VCA केबल हो गया, फ्लॉपी डिस्क स्टैंड, और रिमोट बहुत सारे यहाँ पे पड़े हैं। ये एरिया है इलेक्ट्रॉनिक, देखिए दोस्तों अब हम जिम की ओर जा रहे हैं, ये चौथे माले पे यानी 6th फ्लोर पे ये जिम आया हुआ है जी। दोस्तों ये है यहाँ का स्टार क्रूज का जिम एरिया, आप देख सकते हो, शायद बहुत ही अंधेरा होने के कारण आपको फुटेज अच्छे से मिल रही नहीं होगी, बट ये जिम ऑलरेडी टोटली पैक हो चुका है, आप देख सकते हो टोटल अच्छे से इसको पैक करके रखा गया है। देखिए ये पूरा जिम है यहाँ का, ये लगभग हम आधे एक घंटे से ढूंढ रहे थे इसी को, तो ये मिल गया है, आप देख सकते हो जिम इस प्रकार का है यहाँ पे स्टार क्रूज में। जिम एरिया के बाहर निकलते ही आपको यहाँ पे एक डोर मिल जाएगा, डोर के अंदर जाते ही
आपको कुछ ऐसा नजारा दिखेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए कुछ इस प्रकार का नजारा है।